साथियों नमस्कार, मैं चक्रेश कुमार मीना और रिंकू आरिज मीना, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। और साथियों, जैसे कि आपको मैं दो दिन से कोई जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं भी देखिए दिल्ली से आने के बाद मुझे खुद को पता नहीं था और यहाँ बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया, क्योंकि एक्चुअल में मुझे यहाँ के शेड्यूल का पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, ना मुझे इतना अंदाज़ा था कि मैं इस तरीके से यहाँ रहूँगा रुकूँगा, क्योंकि मुझे जीजा जी ने ये नहीं बताया था उस टाइम तक कि यहाँ पे सांप क्यों आ रहे हैं क्या है। देखो वो तो मुझे पता था कि सवाई माधोपुर जा रहे हैं, मैं उनके साथ तेजस एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस से साथ ही माधोपुर आया, यहाँ के मुझे पता चला कि मैंने सोचा अधिवेशन के काम से ही आए हैं, तो 29 तारीख को अधिवेशन है AIRF का 98वां, और उसके लिए साहब शिव गोपाल मिश्रा जी निकल गए हैं। कल रात को उनको मैंने दिल्ली के लिए खुद ने ट्रेन में बिठाया और हम पूरे दिन परसों साथ थे होटल में, वो यहाँ पे हमारे घर के सामने ही ठहरे हुए थे, और उनके भतीजे की यहाँ पे शादी है जो कि कल उसमें संगीत की रस्म थी, हम साथ ही थे, और आज शादी है, मैं शादी में भी जाऊँगा आज। और साहब को मैंने बहुत सारी देर तक हमने बात की, कई सारे मैटर्स पे बात की। उसके बाद में जब हमने रात्रि को मैंने देखो उनसे पहले बिल्कुल इस रिगार्डिंग, चाहे मैंने ज्ञापन दिया उन्होंने पूछा भी मेरे को, मैंने कोई बात नहीं की। फिर हम रात को बिल्कुल 1-1.5 घंटे ओनली फॉर इसी पे चर्चा की। साहब ने बहुत सारी चीज़ें सुनी, साहब बहुत निकदिल इंसान हैं, और आपको रियली बताऊंगा दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, साहब भावुक हो गए आपकी आत्मकथा जब मैंने आप लोगों की सुनाई, जेई टेक के स्टूडेंटों की प्रॉब्लम सुनाई। साहब ने मुझे बताया उनके पास कई दफ़ा कई लोग पहुँचे, कई सारी यूनिटें पहुँची अलग अलग। साहब ने मुझे बताया अभी 4-5 दिन पहले चंडीगढ़ बोर्ड के कुछ लड़के आए थे, दो लड़कियां भी थी, लड़कियां बोल रही साहब हमें तो आपकी लड़की हूँ ये वो मुझे, फिर मैंने कहा हाँ साहब मैं जानता हूँ वो हमारे ही साथी हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, NARC में पैनल इसलिए लेट हो रहा है, पैनल में पोस्टिंग जिसमें 117-118 टेक्नीशियन और 54 JEE का, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी वो NARC के जो CPO हैं उनसे एकदम गलत कैलकुलेशन हो गई थी, उस वजह से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है CPO को। CPO जो अजय पाठक जी हैं, विनय कुमार का भी ट्रांसफ़र हुआ पड़ा है, जो CPO एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी CPO हैं उनका भी ट्रांसफ़र हुआ पड़ा है, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की वजह से इनमें फटकार भी, इनको नोटिस भी मिला है कि आप लोगों ने अननेसेसरी टाइप से जो काउंटिंग की है उसका कहीं ना कहीं सरकार को, स्टूडेंट को, सभी को नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। इसी के साथ साथियों, जो आउटरीच कैंप है उसके बारे में मैंने जब साहब को बताया तो साहब ने कहा कि देखो ये बोर्ड के अलग अलग दौर के अलग अलग प्रक्रिया प्रोसीजर होते हैं और ये सब तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ही होते हैं। अब मैंने कहा साहब आप हमारी मदद कर सको तो हम बहुत सारे छात्र हैं, आपको दुआ लगेगी, अब तो सर बहुत बड़े यूनियन के प्रेसिडेंट हो और आपकी बहुत कुछ जानकारी भी है, दूसरी बात आपको कहीं ना कहीं हम लोगों की कोई मदद हो जाए। तो साहब ने मेरे को रियली में बहुत ही मतलब तरीके से बात को जब बताया कि देखो अब से पहले तुमने कितने भी बार ज्ञापन दिए कुछ भी है, पहले तो ये बताओ तुमने अब जब अपन की इतनी अच्छी जानकारी है तो आपने आपके रिलेशनशिप क्यों नहीं बताया मुझे। मैंने कहा सर मैं एक छात्र के ही तौर पर आपसे आज से पहले मिला हूँ, मैं चाहता तो 2 मिनट में बता देता कि मैं उनका ये है वो है मेरा जो भी है लिंक वो, और आप मुझे इससे अच्छे से बात कर लेते, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि सभी छात्रों की जॉब लगे, और मैं सर इनके लिए मैं 2 साल से ज़्यादा समय से मैं इतने MP से मिल लिया, इतनी जगह, इतने दिन हम लोगों ने ये प्रयास कर लिया, ये हमारा ट्विटर पे किया हमने, ये हमने पैसे किया सर, इतने MP से हमने लेटर लिखवाए, मैंने सर को पूरी आत्मकथा बताई अपनी। साथियों आप विश्वास नहीं करोगे, सर भावुक हो गए, भावुक जानते हो एकदम से बहुत ज़्यादा, सोचने लग गए, रात का समय था। सर जब भावुक हो गए ना उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि जो तुम कर रहे हो वो सबसे बेस्ट है, एकदम सबसे बेस्ट तरीका, आप बिल्कुल ये करते रहिएगा, और सीधी सी बात मेरी जितनी हेल्प बनेगी अब से पहले, देखिए साथियों चाहे मैंने हेल्प की नहीं की वो अदरवाइज अलग बात है, उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है साहब ने कि वो 1 या 2 तारीख में रेल मंत्री जी से इस विषय पे पर्सनली खुद बात करेंगे, और रेल मंत्री जी को साथ ही ये चेताएंगे कि आप इन बच्चों के साथ में
पॉजिटिव कीजिए जो कुछ भी है, क्योंकि जब आपने 30-35 हज़ार स्टैंड बाई को क्लियर कर दिया गया है, तो 4500 से 5000 के बीच जो ये छात्र रह गए हैं जिनकी कई सारी समस्याएं हैं, क्योंकि साहब को मैंने CVT 1 वाला समस्या, मेडिकल टेस्ट वाला समस्या, या जैसे NWR जोन है जिसमें बिल्कुल जीरो डिमांड आई है उस समस्या से, NR जोन जिसमें कि चंडीगढ़ का लगभग 15 से 20% ही क्लियर हुआ है उसकी समस्या के लिए, और भी बहुत सारे बोर्ड हैं जिनकी समस्या के लिए मैंने अवगत कराया है सर को पर्सनली। उन्होंने सब चीज़ को करीब 1 घंटा तक मेमोरेंडम को हाथ में लेके सारी चीज़ों को उन्होंने समझा, और समझने के साथ साथ ही सर खुद टेक्निकल लाइन से हैं, सर JEE थे पहले रेलवे में और SSC से रिटायरमेंट हुए और आज यूनियन को संभाल रहे हैं। सर व्यवहार से बहुत ही अच्छे हैं और मैं जितनी भी तारीफ़ करूं सर की रियली में कम है, क्योंकि एक निस्वार्थ भाव से सर सेवा कर रहे हैं इंडियन रेल की, और सर एक बार जिस काम के लिए हाँ कर देते हैं तो कभी मना नहीं करते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। साथियों, सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ सर ने ये कहा एक बार मुझे बात कर लेने दो इस मुद्दे पे, उसके बाद हम देखते हैं। सर ने साथ ही एक चीज़ बताई, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इन लोगों ने 2022 तक का डेटा तो ले लिया, डेटा लेने के साथ इन्होंने एक तो जो अपना ओनली फॉर DR रिक्रूटमेंट को लिया है इन्होंने, और साथ ही इन्होंने जो देखो हमें प्रमोशन कोटे का कहीं रिलीफ नहीं दिया, तो सर बोल रहे थे कि ये रेलवे ऐसे नहीं करेगा, आप लोग थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओगे तो आप लोगों के पास तो कुछ नहीं है, इस नौकरी के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जीने मरने को, लेकिन प्रमोशन वालों की को अगर एक साल प्रमोशन नहीं दिया जाए, नेक्स्ट ईयर दे दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो मैं बात करूँगा प्रमोशन कोटे से या कैसे भी, जैसे या DR रिक्रूटमेंट से आगे का समय बढ़ा के और हमें रिलीफ दिया जाए। और साहब ने बोला है कि जैसे कि इस चीज़ को बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, इश्यू को आपका ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, जंतर मंतर वाले भी प्रोटेस्ट मैंने देखे हैं, आप बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको भी रैली में बहुत दुआ मिलेगी। मैंने कहा सर ये तो आपका बड़प्पन है, और सभी मेरे दोस्त और जो साथी हैं, मैंने कहा उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो पटना में आंदोलन कर रहे हो, चाहे वो जयपुर में आंदोलन कर रहे हो, या वो इलाहाबाद में आंदोलन कर रहे हो, या घर बैठ के कोई ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है, या कोई मेरी किसी भी तरीके से सहायता कर रहा है, यहाँ तक कि कोई गाली दे के मेरी आलोचना कर रहा है, या मेरी पीठ पीछे बुराई करके मेरी आलोचना कर रहा है, या मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन सब से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और सब कुछ काम करने की एक नई ऊर्जा मिलती है। साथियों, मैंने साहब को सारा सब कुछ बता दिया है और मैं जल्द ही 1-2 तारीख में, साहब ने मुझे बोला है कि आप मेरे से दिल्ली आके मिलो, 1-2 तारीख में ही अब मुझे कांग्रेस वालों ने बुलाया है, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन भी लगवाने हैं। और सर ने मुझे इस चीज़ के लिए स्पेशली बोला कि आप लोग राज्यसभा और लोकसभा में अपनी बात को उठवाइए, क्योंकि वहाँ जब बात उठेगी तो सरकार पे दबाव बनेगा, और जब दबाव किसी चीज़ पे बनता है तो वो उसी प्रेशर में हमें नौकरी देंगे। और साथियों, आप लोगों को आपकी एकता को बिल्कुल बनाए रखना है, क्योंकि हम सभी जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन CMA पैरामेडिकल, देखो नौकरी सभी को चाहिए, हमारा उद्देश्य सभी का एक ही है। साथियों, हमारी लड़ाई एक है और वर्चस्व की लड़ाई नहीं, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, क्योंकि हमने जो आत्मसम्मान खोया है, आपको पता है 3 साल में तुमने कैसे कैसे ताने सुने होंगे, कैसी कैसी बातें सुनी होंगी, आपने नहीं आपकी फैमिली ने भी ताने सुने होंगे। उन चीज़ों को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि हम किसी से ईर्ष्या भाव इतना नहीं रखते, ना ही मन में पाप और बैर रखता, खासकर मैं बता देता हूँ कि मैं दुश्मन से को भी गले लगा लूँ, मैं उनमें से हूँ, मैं दुश्मन को भी गले लगा लूँ, ना मेरा किसी से बैर, ना किसी से कोई किसी भी तरीके की मैं भेदभाव करता, और रियली बता रहा हूँ कोई मेरी बुराई करता है, मुझे वो भी पसंद है, स्वीकार है मुझे। लेकिन साथियों, आपके माँ बाप को आपसे कितनी उम्मीद है, आपके भाई को, बहन को, पापा को, सभी को उम्मीद है ना, तो उस उम्मीद के लिए आपको जुड़े रहना है, उस उम्मीद के लिए आपको खड़ा रहना है, और अगले स्टेप का स्टेप अपना बड़ा ही होगा। मैं साथियों आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं जब तक हूँ आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए 100% स्टैंड बाई क्लियर करवा के दूंगा, क्योंकि मैं कर्म कर सकता हूँ कर्म, और मैं रियली बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से, चाहे मुझ पर कोई कुछ भी आरोप लांछन लगाते रहे, जैसे अनिप जी से मेरी बात हुई, हमारे साथी से संकर्ष से हुई, और भी मेरी साथियों से बात हुई, बहुत सारे साथियों के कॉल आए,
अनिप जी ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, जो पत्रकार हैं गांधी टीवी के, कि लांछन तो माता सीता पे भी लगा दिए थे, क्या इन चंद लोगों के कहने से तुम रुक जाओगे? मैंने कहा, सर मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे कुछ पुराने साथी हैं इलाहाबाद बोर्ड के हो चाहे कोई से भी बोर्ड के हो, देखो वो मेरे पे क्या आरोप लगाते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ, वो रब जानता है, वो मालिक जानता है कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। मैंने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है, आपका मुझे पता है ऐसे काम करने में मज़ा आता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मुझे रियली में, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, मुझे राजनीति में आना है, और मेरी जॉब लग जाएगी तो भी मैं राजनीति में आऊँगा, क्योंकि मैं राजनीति के बेस पे आप लोगों की सेवा, अभी देखो मैं सीख रहा हूँ, मेरी भी सीखने की उम्र है, लेकिन मैं साथियों आपकी सेवा करूँगा। और दूसरी बात, हमें बिल्कुल एकजुटता से रहना है, और किसी भाई को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो या कभी मैंने जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो उसको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे उकसाया मत करो। और सभी साथी जुड़े रहेंगे, आगे आपको आगे की रणनीति जैसे भी होगी वो बता दिया जाएगा, और हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है पार्लियामेंट में कैसे हमारी बात उठ सके सभी साथियों को, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, और अगर उनका लिंक अच्छा है मुझे डायरेक्ट संपर्क करें, मैं उनको पार्लियामेंट का क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार हो चुका है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा कल। और दूसरी बात, आप लोगों को बिल्कुल 1 तारीख से और 6-7 तारीख तक मैं और मेरी टीम के 4-5 साथी हम हो सकता है दिल्ली रहेंगे, और इस चीज़ पे हम बिल्कुल वर्क करेंगे, क्योंकि हमें इस शीतकालीन मानसून में दिसंबर एंड ऑफ टिल तक हमें नोटिस चाहिए रेलवे से, और नोटिस वो चाहिए 100% स्टैंड बाई क्लियर के लिए। जो लाइन ALP के नोटिफिकेशन जो आया था उसमें लिखी हुई है, नो स्टैंड बाई कैंडिडेट विदाउट 4 अपॉइंटमेंट, सेम ये लाइन हमें हमारे उसमें लेटर में चाहिए, कि मेरे सभी टेक्नीशियन वाले भाई, जूनियर इंजीनियर वाले भाई, CMA वाले, पैरामेडिकल वाले, हर बोर्ड के, मेरा किसी बोर्ड से विशेष लगाव नहीं है, मुझ पर टाइम टाइम पर एलिगेशन लगते रहे हैं इस चीज़ के, कि आप कभी कि आप इलाहाबाद बोर्ड के लिए बोल देते हो, आप NWR के लिए बोल देते हो, या आप दूसरे बोर्ड के, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की मानसिकता है। मैं 100% स्टैंड बाई 21 बोर्ड 17 जोन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो धन्यवाद साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी मेरा साथ दोगे। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट में अपनी बातें ज़रूर बताइएगा, क्या आपको समस्या है या जो भी है। धन्यवाद साथियों, आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, आप सभी की नौकरी ज़रूर लगेगी, थोड़ा सा समय देखो, जब इतना समय इंतज़ार कर लिया है तो धैर्य रखो, नौकरी ज़रूर लगेगी। धन्यवाद साथियों।